सो हे गाइस, मैं देव स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर डेविल पर। तो आज हम करने वाले हैं विजय मेहर जी की द हीरो कॉन्सेप्ट एडिटिंग। इससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाना होगा, तो सिंपली हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में चलते हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाने के बाद हम अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे पिक्सआर्ट में। सभी बैकग्राउंड और पीएनजी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये रहा हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद सिंपली आज जो हम एडिटिंग करने वाले हैं वो हम ड्रॉ टूल में एडिटिंग करने वाले हैं। तो चलते हैं ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में चलने के बाद ये देखिए हमारी फ़ोटो ड्रॉ टूल में आ गई है। ओपन करते हैं एक एम्प्टी लेयर। एम्प्टी लेयर ओपन है। यहाँ से हम एक फ़ोटो लेयर ऐड करते हैं जो कि है एक पीएनजी की। ओके पर टैप करके इसे ऐड करते हैं। ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है। अब इस एम्प्टी लेयर पर टैप करते हैं। एम्प्टी लेयर को बीच में ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड करते हैं अपने फेस का पीएनजी। सो हे गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि पीएनजी कैसे बनाते हैं, अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं, तो इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर वीडियो को देख सकते हो। ये फ़ोटो मैंने सेट कर दिया है। अब सिंपली ओपन करता हूँ बैकग्राउंड। अब इरेज के बटन पर टैप करके फ़ोटो को अच्छे से जूम करके और सिंपली इरेज कर देते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देते हैं। सो गाइस, इतना हमारा काम हो गया। अब फिर हम चलते हैं, लेयर पैनल ओपन करते हैं और यहाँ पर फिर एक एम्प्टी लेयर ले लेते हैं। और ये जो पीएनजी वाला लेयर था, ये इसका हम एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बना लेते हैं और फिर एम्प्टी लेयर को सिलेक्ट करके इस पर हम शेडो ड्रॉ करेंगे। शेडो ड्रॉ करने के लिए सिंपली हमें जाना होगा ब्रश के ऑप्शन में। जाने के बाद साइज़ ये हार्ड ब्रश लेना है और साइज़ अराउंड 49 के आसपास, ओपेसिटी 51 और हार्डनेस को 1 कर देना है। फिर सेट करना है और फोटो को जूम करके इस पार्ट पर हमें शेडो चाहिए जिससे फोटो में लुक आए। सिंपली इतना हो जाने के बाद यहाँ से लेयर पैनल ओपन करते हैं और इसकी ओपेसिटी को अराउंड 30 के आसपास रख देते हैं। अब फिर एक फोटो लेयर ओपन करते हैं। ये ऐड हो चुका है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम इस लेयर को सिलेक्ट करके थ्री डॉट पर टैप करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस कैप को एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। इतना हो जाने के बाद हम चलते हैं अपने इफेक्ट ऑप्शन में। इफेक्ट में आने के बाद हम HDR मोड को HDR इफेक्ट अप्लाई करेंगे अपने पिक पे और यहाँ पर इसके फेड को अराउंड 77 के आसपास फिर मर्ज कर देंगे। और इसको अप्लाई करने के बाद फिर इसमें हम एक डॉगर इफेक्ट यहीं आपको इसके बगल में मिल जाएगी, इसकी ओपेसिटी अराउंड 70 फिर डन कर देंगे। यहाँ पर हमारा हाफ प्रोसेस डन हो गया है। अब इसको सिंपली सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पर डन करते हैं और डन करने के बाद यहाँ सेव के आइकन पर टैप करते हैं। ये सेव हो गई हमारी इमेज। अब सिंपली इसे हम ओपन करते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन में। स्नैपसीड में इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करेंगे। इस इमेज को ऐड कर लिया मैंने।
ऐड करने के बाद हम पेंसिल के आइकन पर टैप करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन में और स्ट्रक्चर 15:17 अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए और शार्पनिंग को अराउंड 40 के आसपास। उसके बाद उसे डन करते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं हम सेलेक्टिव टूल में। सेलेक्टिव टूल में जाने के बाद सेलेक्टिव टूल ओपन करने के बाद हम इसे अपने फेस पे सेलेक्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे और थोड़े से फेस में कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे और सेचुरेशन को थोड़ा कम करेंगे, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा माइनस में ले जाएंगे। पिक्चर के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। सिंपली इतना हो जाने के बाद सी लग रही है, इतना हो जाने के बाद सिंपली डन करते हैं और इतना हो जाने के बाद हम चलते हैं स्टाइल के ऑप्शन में और यहाँ पर पॉप, ये पॉप नाम का एक आपको प्रीसेट मिल जाएगा, इस प्रीसेट को अप्लाई करना है। सिंपली हमारी फ़ोटो बनके तैयार हो चुकी है, इसे हम सेव कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं सेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।